हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर गेम प्ले ऑफ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि किसी तरीके से हम वर्ल्ड तक पहुंच गए थे रॉकेट की कृपा से। तो इसके बाद हम इसके आगे वर्ल्ड में जाएंगे और जैसा कि एक्सपेक्टेड होगा वर्ल्ड में क्या होता है, यहाँ पे कुछ पैसे हैं, हम इसको चुराएंगे ताकि हम यहाँ से जल्दी भाग सकें और अपना पैसा जो है पे कर सकें जो हमारी आज़ादी के बदले हमें चुकाना है। अब इसे बंद कर दो जल्दी से ताकि वो अंदर ना आ पाए, वरना हम तो पैसे चुराते ही रह जाएंगे। ये अब इससे निपटेंगे पहले। नहीं मारना नहीं रे, टीममेट्स को तो नहीं मारना है। तो इनके बीच लगता किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ये पकड़ के रखेगा क्या इसको? नहीं तो खुलता ही रहेगा वो। ग्रूट तो रॉकेट के सपोर्ट में हमेशा ही रहने वाला है। मोस्ट वांटेड के साथ साथ मोस्ट डेडली भी है। रॉकेट 2 इससे डर रहा है। वाकई में डरने लायक भी है। थेनोस की बेटी है वो, कुछ भी कर सकती है। ओ ये रहा स्वैग। स्वैग बंदे का तगड़ा है। तो अब हम आपस में ये लड़ना छोड़कर जल्द से जल्द यहाँ से पैसे कलेक्ट करते हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। ये क्या सुविधा? तू होल्ड करके रख ड्रैक्स, तू सिर्फ उसको होल्ड करके रख जब तक हम कुछ पैसे कलेक्ट कर लेते हैं। हम सब लोग यहाँ से कुछ खोजेंगे और कुछ तोड़ना नहीं है बिल्कुल। ये कलेक्ट 537 यूनिट, यानी 500 यूनिट वहाँ पे थी, 37 यूनिट हमारे पास पैसा था पहले से। ये मनी तो नहीं था। ये क्या? वाह 1500 यूनिट से ज़्यादा मिल गए। तो इतना पैसा हमें इकट्ठा करना है ताकि हम जो है उसको दे सकें। याद रखना 8700 या 963 कुछ इतना ही हमें यूनिट पे करनी है। तो उतनी है उससे ज़्यादा, चूंकि हम इतने शरीफ तो है नहीं कि सिर्फ उतनी चुराएंगे। 9000 यूनिट डायरेक्ट काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो चुका है। तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा और पैसा हमें मिल जाए। वैसे तो ये इनफ है उन्हें उसे देने के लिए। लेडी हेलबेंडर का कुछ आदेश आ रहा है। ये लग रहा लगने वाली है। ये वॉल्ट बंद हो चुका है अचानक से। ये खोल रहा था, बंद क्या हो चुका था? लग रहा है कुछ तो बढ़ने वाला है। ये काफी ज्यादा शांति चारों तरफ हो गई है। ये धमाके से पहले की शांति है। इम्प्रेस तो होगी, हमने तेरी आधी सेना को निपटा दिया। इम्प्रेस तो होगी तू हमसे। Enjoy the contents of my vault, guardians. They will be the last thing. ये हमारे इस वर्ल्ड को ही हमारी कवर बनाने वाली है। ये हमारे किसी तरीके की गैस अंदर डाल दी है। ये वर्ल्ड जब बंद हुआ था तभी ऐसा लग रहा था कि वो वर्ल्ड पहले खुलने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद ये अंदर से अचानक से अंदर आ गया। ये हमारी खोपड़ी खोल देगा। ओह माय गॉड, ये तो काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। तो हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि यहाँ से निकलें। वैसे तो हम पैसे इकट्ठा कर चुके हैं लेकिन हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे यहाँ से निकलने की कोशिश करें, वरना ये गैस हमारा काम तमाम कर देगी। और नॉइज़ डिस्टर्बिंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ गैस। हमारे आसपास काफ़ी ज़्यादा साउंड रहता है, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। वर्ल्ड से बाहर तो निकलना है लेकिन हमारे क्विल भाई साहब को पैसे इकट्ठा करने की भी पड़ी हुई है। पैसे इकट्ठा करते हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे ये काफ़ी गैस थोड़ा स्किनी टाइप की है, आकर कुछ कर रही है। मैं करने की कोशिश क्या कर रहा हूँ? ये ऊपर कुछ है, यहाँ से हम तोड़ रहे हैं ताकि कहीं से कुछ गैस थोड़ी सी बाहर निकल सके, लेकिन ऐसा कुछ हमें मिल नहीं रहा जिससे गैस बाहर निकल सके। वो सामने उसी से आ रही है गैस अंदर। तो जल्दी से जल्दी निकलो यहाँ से वरना काम हो जाएगा हमारा। ये सामने से ही जाना है। ये ऊपर कुछ है क्या है? चलिए देखते हैं। पैसे? सीरियसली? हाँ यही बात हो रही है, यहाँ पे जान पे बनाई और हमें पैसे चाहिए। पैसा सब कुछ कराता है दोस्तों। अब चलो बहुत तमाशा हुआ। वो वीक लिंग ऊपर है कुछ गिर गया। अब क्या करना? ड्रैक्स चल तू काम कर, सबसे पावरफुल बंदा यही कुछ करेगा। तोड़ दिया, चल फाइनली हम इससे बाहर निकलेंगे। इससे ओ हो
ये किसी ऐसा किसी कोई टनल जैसी लग रही है यहाँ से। हम कहाँ जाएंगे यार दोनों, पूरा चारों तरफ अंधेरा ही। सबको चोट लगी, दर्द से चिल्ला रहे हैं। सब लोग ठीक है? कितना अंधेरा हो गया। कुछ तो ऊपर चोट लगी है। सब तो ठीक है, किसी को रास्ता यहाँ से जाने का दिख रहा है। अचानक से अंधेरा था, तेज लाइट आ गई। यहाँ कुछ वो ऊपर लग रहा है, वो ऊपर रही, वो ऊपर आ गई है लेडी हेलबेंडर्स। मारने की कोशिश हमें तो बहुत से लोग कर चुके हैं। क्या करे जब तू खरीदेगी नहीं, पैसे नहीं देगी, तुझे चोरी करनी पड़ेगी। यही बात हो रही कि चोरी करने का प्लान नहीं था, लेकिन चोरी मजबूरी में करनी पड़ी। हम फंस तो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारा बड़बोलापन कम नहीं होने वाला है। कम भी कैसे हो, वी आर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। तो हम मारने की कोशिश करेंगे। ऑफर वर्थलेस है तो स्वीकार कर, हमें जाने दे यहाँ से। जाने नहीं देगी तो हम तुझसे लड़ेंगे। ये हमें हमारी दावत बनाने के लिए आया है। ये वही क्रीचर है जिसने रास्ते में, ओ भाई साहब, ये लग रहा कोई बॉस फाइट होने वाली है यहाँ पे। कोई बहुत बड़ा और डेंजरस क्रीचर। ट्रेलर इन द डार्कनेस, तो यहाँ वही तो है। तो इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा डिटेल दे दिया जाए, स्पॉइलर अलर्ट जिन लोगों ने सैंक्ची नहीं देखी है उनके लिए। ये कैरेक्टर सैंक्ची में अपीयर हुआ है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अब तक तो आप लोगों ने सैंक्ची देखी होगी। तो इसकी मेन पावर ये है कि ये ह्यूमंस या क्रिएचर्स के फियर पर डिफीट करके उसके बाद तब उन्हें हराने की कोशिश करता है। मतलब ये हमारे जो सबसे खतरनाक फियर हैं उनको सामने ला देता है। देखने में काफ़ी डेडली है भाई, ये मरेगा कैसे यार? ये इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। ये यहाँ पे इसकी एक एक तो उसको मार रहे हैं तो कुछ न कुछ वो हो रहा है। मरने वाला तो नहीं है भाई, बच के रहना पड़ेगा। इतने बड़े बड़े ऊपर गया तो काम हो जाएगा, कूदते रहना पड़ेगा। कूदते फांदते रहिए, उधर उधर में आ इसके टेंटिकल्स पहले तोड़ेंगे। हड़िया 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 सब मारेगा मारेगा मारे, भाग रहा है। टेंटिकल्स पे तो वो बच गया, बच गया, बच गया किसी तरीके से बचा। लेडी एलवेंडर के पास तो काफ़ी ख़तरनाक तरीके हैं हमें निपटाने के, लेकिन अभी तक तो उनके सारे तरीक़ों से हम निपटते हुए आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे भी निपट लेंगे। रूट उसे पकड़ने की कोशिश कर, अभी पकड़ेगा काम पाया, पहले से हटा लिया। हाँ इसको फ्रिज पे, हाँ वाह तोड़ दिया। ये फ्रीजिंग मशीन जो गन है हमारी पावर, वो कुछ तो काम आई गन की पावर। एक टेंटेकल्स उसके जा चुके हैं, चार और सॉरी तीन और, एक तो जा ही चुका है, चार की दरबचे। ट्रैक्स तू बच नहीं तो तेरा काम हो जाएगा। ये लगातार, हाँ ये अब इसको, उसको मारो 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 मारो, ये छुड़ा लेगा छुड़ा लेगा। अब मार मार ट्रैक्स, ये हड़िया हड़िया अभी हड़िया हड़िया लग गई। हाँ ये अब इसको फ्रिज कर मार मार, वाह। गमोरा फिलहाल इसको मारने के लिए सबसे ज़्यादा काम कर रही है, यहाँ इसके सिर्फ दो ही बचे हैं फिलहाल। जैसा कॉमिक्स में इसकी पावर और एबिलिटीज को दिखाया गया, ये फियर पे, ये कुछ तो आए, ये आ गए। इनसे तो हम लोग ऐसे ही निपट लेंगे, ये सारे पुल्ले। ओह माय गॉड, ये इतने बड़े थ्रेट तो नहीं लगते हैं। ये हमारे फियर पे कंट्रोल करता है कॉमिक्स के हिसाब से, लेकिन फिलहाल ऐसा तो हुआ नहीं, नहीं तो हमारे अंदर कोई ना कोई फियर तो आया ही होता। या हमारे अंदर कोई फियर ही नहीं है, हमारे अंदर कोई खास ताकत। ये यहाँ पे डायरेक्ट वार करेगा, वहाँ से बच के रहना है, बाकी तो इससे निपट लेंगे। ये तो और आके दिमाग ख़राब कर रहे हैं त्रिशूल वाले ने भी। और ये पड़ी 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 हड़िया उड़िया पड़ी पड़ी गंदी पड़ी। मारे रखी दर से तो उधर दूर। Make
ये इसको एक लोकल में अपने दिमाग से निकलता ही जा रहा है। ये फ्री आम उसकी है, कुछ ऐसा मिले जिससे इसको जल्दी से जल्दी डिस्टर्ब। अपनी ये टेंटिकल्स इधर ला ही नहीं रहा है ज़्यादा, तो पड़ेगी किधर से, ला के तुरंत उठा ले रहा है, रख नहीं रहा ज़्यादा देर तक। ये देखो जेली वाले आ गए, ये मुसीबत हमारी और बढ़ाने से आते ही जा रहे हैं। दो दो तीन तीन बार इनको मारो, इनसे निपटना और मुश्किल है। ये गोली क्यों चला रहा है ये काफ़ी अच्छे टैक्टिक्स है, जिसकी वजह से इनसे उलझ के उस पर ध्यान कम दे रहे हैं। वो अपना खोपड़ी डायरेक्ट खोली हुई है जिससे उनसे निपटते रहें। तो उनको जेली बनने से पहले उनको मिटा दो, वरना वो जेली बन जाएंगे तो दोबारा मैं तो काफ़ी गुस्से में भी मान सकता हूँ। डार्कनेस नाम तो काफ़ी बढ़िया है। दे दे गमोरा, दे दे ब्लास्ट कर दे, ऐसे नहीं काम करना। अंगुली पकड़ के रख, पकड़ के रख, पकड़ के रख, इसको इसका काम डाल दें। एक ये डिस्ट्रॉय हो जाए उसके बाद तो काम हो जाएगा। ये निकाल लिए पैर काम से, दोबारा से कुछ तो करना। ये उसकी आर्म को फ्रीज कर दिया, मार दे गमोरा। वो गमोरा के एक्शन इसकी तो तेरी तो बाजार डाली रही हमने, तू तब जाने वाला है। तीन आर्म्स या तीन टेंटिकल्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, सिर्फ एक टेंटिकल बचा है, यानी लगभग इसको हमने निपटा ही दिया है। बुरी तरीके से इसकी लड़ाई है। उस पर फोकस करते हैं, इनको साइड में रखकर बस इनसे बच कर जल्दी से जल्दी उसको निपटा दे, फिर इनसे तो हम निपट लेंगे। हमारी हेल्थ एकदम कम हो चुकी है, तो हमें जल्द से जल्द हेल्थ को अपनी कवर करना ही है। तो जल्दी से कलेक्ट कर भाई, थोड़ी कुछ तो बड़ी है ठीक है। तो फिलहाल अब हमारी हेल्थ लगभग फुल है ऑलमोस्ट। गमोरा को गमोरा किधर है गमोरा, तू ही तो अपनी मेन हथियार है इसमें। ये नीचे दबा कर रखा है, मार इसको गोली। ट्रैक्स उसको छुड़ा, ये जेली वाले इतना ज़्यादा परेशान कर रहा, फोड़ के रख दे सालों को। अरे ड्वेलर अपना हाथ लेकर के आई है, उसके हाथ में दे दे एक जगह रख ही नहीं रहा। ये रखा, पकड़ ले ग्रुप, यस फाइनली। अब इसको बजा लेते हैं, इस बार इसको मौका नहीं देंगे। ये तुम लोग मार दे, मार दे किसी तरीके से। छोड़ना नहीं था ग्रुप, चला जाएगा गया उधर। हाँ फंसा ली गमोरा फाइनल हमला। ये गया, चारों टेंटिकल्स इसके टूट चुके हैं मेरे ख्याल से, अभी चला जाएगा नीचे। ये नहीं जाएगा अभी, अब हमारे ऊपर हमला होने की बात है। ये क्या है, कुछ डेंजरस है यहाँ पर, और उसके ऊपर मारो, सर पे दे मारो साले। अब मेरे ख्याल से इसके पास अब ज़्यादा पावर बची नहीं होनी चाहिए, तो ये पूरी ये माय गॉड, ये तो पूरे किलो के भाव से आ रहे हैं, और हमारी हेल्थ भी एकदम जाने वाली है, काम डलने वाला है हमारा, लग रहा है मेरा काम होने वाला है। इधर हेल्थ दिख रही है, जल्दी से कलेक्ट कर ले, जल्दी से काम हो जाएगा जल्दी। फाइनली पड़ी थी बच गए किसी तरीके से, अगर नहीं मिली होती तो काम हो जाता हूँ। अभी भी हेल्थ काफ़ी लो है भाई, बचना कैसे है भाई, बुरी हाल होने वाली है, कुछ तो बचाओ भाई। मैं तो चारों तरफ से निकल चुके हैं, ये कलेक्ट कर लेते हैं। फिलहाल कुछ हेल्थ हमारे पास आ चुकी है, तो अब हम कोशिश करेंगे कि इनको जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय करें और यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ये जब से इसके टेंटिकल्स टूटे तब से ये ऊपर टहलता रह रहा, और ज़्यादा ही ये भेजने लग गया। हमको लगा था कि बाहर हमने इनको निपटा दिया, अब ये तो कम से कम हमसे नहीं मिलेगा। यहाँ नहीं खड़े होना, यहाँ हट जाती है मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हैं कि जेली मन कर रहा है इसको खा रहा है। हमारी हेल्थ काफ़ी लो लेवल पे चल रही है यहाँ पे, हमें हेल्थ कलेक्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा। ग्रुप रॉकेट को उठा के फेंक नीचे और इनकी बजा, छी छी
जो पूरे किलो के भाव से आते हैं आ रहे हैं उनसे निपटने के लिए, और इन्हें जल्दी से नहीं मारा। एक बार इनकी जेरी टूटने पे यहाँ पे क्रूट डाउन है, तो उसको हील करना पड़ेगा, तो ड्रैक्स का सॉरी काफ़ी बुरी कंडीशन में हमारी टीम की इस वक्त स्थिति है, तो जल्द से जल्द इसको खत्म करते हैं। इतनी झांका है कि गमोरा उसने फंसा लिया, गमोरा किलर किलर है वो फोर है सामने। अब देखा तो तुमने मारो इसको और है क्या चीज फाइनली गमोरा बजा दे। काफ़ी भयंकर फाइट और ये काफ़ी इरिटेट करती हुई है, खोपड़ी तोड़ देते साले ताकि बंद हो जाए खोपड़ी इसकी, कहीं फटने पे और ज़्यादा ना हो आ जाए कुछ तो। अब हम थोड़ा सा ज्ञान देंगे, ज्ञान देने की बारी है। तो हमने ये बात की कि हम अलग अलग होकर इसे नहीं हरा सकते, तो अब हम यूनाइट होकर के इसे हराना पड़ेगा। ड्रैक्स फंसा हुआ यही है, हमारे हमको इंस्ट्रक्शन में यही आ रहे हैं कि हमें किसी तरीके से इनसे बचकर, इनसे अगर लड़ते रहेंगे लगातार तो लड़ते ही रह जाएंगे, इनसे बचकर टेलर इन डार्कनेस को हराना है और यहाँ से जाना है। अगर उसको हराएंगे नहीं तो ये लगातार आते ही रहेंगे। इधर आपको देख के लग रहा होगा उसने अपने माथे के ऊपर से शायद इन्हें भेज रहा है, इसके अंदर रह रहे हैं, क्या हो रहा है इसको जल्दी से खत्म कर। बहुत देर तक हमें फंसा कर रखा है, काफ़ी इरीटेटिंग। इसको उठा के फेंकते उसके ऊपर, उसको फ्रीज कर दे रहे हैं उसके वो, और उसके ऊपर लग रही थी मेरे ख्याल से अब नीचे आए किसी तरीके से मार दो गाइस, मौका अच्छा है। अरे ये हमने उसको किया फ्रीज, कमोरा वो डेडली एंट्री है उसका, खोपड़ी में तीर डाल सकती है, खोपड़ी चीर दी साले की, ग्रेट असैसिन गया मेरे ख्याल से इसका काम हो गया। वाओ ग्रेट टीम वर्क, और फाइनली काफ़ी लंबी बॉस फाइट के बाद हमने इसे हरा दिया। अब हमें शिप्स देख रहे हैं, दे लिव ब्रिंग बैक मैशर, कोई और आने वाला है, जब तक कोई आए इससे पहले हम यहाँ से। ये बाइक्स हैं हमारी, ये बाइक्स वही एंटी ग्रेविटी बाइक्स जो ग्रेविटी के से को तोड़ कर उसके ऊपर से उड़ेंगी, तो ये बाइक से अच्छे को प्लेन बोल देते, और यहाँ पर ये हमारे काफ़ी काम आने वाले। ये देखिए नए वो आ चुके हैं इससे निपट कर, ये आ गए हम अपने मिलानो शिप के पास किसी तरीके से पीस में तो आ गए हैं। जल्दी जल्दी यहाँ भागने की कोशिश करते हैं, हमारा मेन मिशन था यहाँ से पैसे कलेक्ट करना, लेकिन इस तरीके से नहीं, पैसे तो हमने कलेक्ट कर लिए हैं लेकिन हमारी जान पे बनाई है, और यहाँ पर किसी तरीके से यहाँ से भागना होगा। तो ओम ये कौन सा वो उसके अंदर था, ये वो है दोस्तों, लग रहा है हमारा काम होने वाला है। मिलानो को तोड़ना नहीं, जान है मेरी, ये काफ़ी ख़तरनाक हुआ है। लेडी एलवेंडर तो करने की कोशिश क्या कर रही है, ये गई नीचे, अभी बची जा 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 बच गई, अभी टूट गई। फाइनली लग रहा है हम यहाँ से निकल जाएंगे, ये हमने लेडी हेलवेंडर के प्लेनेट पर जाके उसे डिफीट कर दिया। अब मुझे लग रहा है इसका आगे रोल होगा क्योंकि ये काफ़ी छिड़ी हुई लग रही है। ये फाइनली हम स्नाक प्लेनेट से दूर आ चुके हैं, तो इस प्लेनेट से हम बाहर निकल चुके हैं। अब देखते हैं हम कहाँ जाते हैं, डायरेक्ट पहले जाके पैसे चुकाएंगे या कुछ और करेंगे, ये कुछ तो बात कर रहे हैं। इनके बीच का कन्वर्सेशन ये हो रहा है कि पैसे हमें प्राप्त हो चुके हैं, अगर ये सब ना किए होते तो शायद हमें इतनी दिक्कत नहीं होती। और लेडी हेलबेंडर की बात ये भी हो रही है कि लेडी हेलबेंडर अगर चाहे तो हमें अभी भी हमारा पीछा छोड़ेगी नहीं, और मुझे भी यही लगता है। तो अब हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि जो पैसे हमें मिले हैं उसको जल्दी से जल्दी चुका दें, ताकि हम जो है हमारे ऊपर जो चार्ज लगा हुआ वो फ्री हो सके। तो अब दारू और पैसे दोनों की बात हो रही है, ये कोई आया, ये तो निकी है कुरेल की बेटी, आवाज़ साफ नहीं आ रही है, क्या करने की कोशिश करी, नेटवर्क कमज़ोर है कुछ, इनके भी नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या, पूरे गैलेक्सी में नेटवर्क प्रॉब्लम है, फिक्स कौन करेगा।
हाँ तो कोयल को सामने आने दो ताकि हम उससे बात कर सके। कुछ बोल रही है पर बात साफ नहीं आ रही है, शायद ये क्वारंटीन जोन में थी। कुछ तो हुआ इनके साथ मगर हमें आवाज़ बराबर मिल नहीं रही है ताकि हमें पता चले कि क्या हो रहा है। अमेरिका Yeah, it's called she's Nova Corps. Can you fix it? Yeah, keep your star pants on. Fix कर दे रॉकेट ताकि हमें पता चले कि हुआ क्या है। मेरे ख्याल से हमारे शिप में कोई दिक्कत इसी वजह से नेटवर्क बराबर नहीं आ रहा। ये चिल्ला क्यों रहा है? ये गुस्सा चिल्ला किसको खींच कर ला रहा है? चैप्टर 5 Live or die, यानी या तो पैसे दो या फिर मरो। ये इस्लामा को बेचारे को खींच कर इधर लाया है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिख रहा है। मुझे लग रहा है जो कनेक्शन लॉस्ट है, हाँ एस एक्सपेक्टेड, इसने सारे तार चबा लिए हैं। उसको करंट लग रहा है फिर भी छोड़ नहीं रहा है। यही कारण है कि रॉकेट काफ़ी गुस्से में है और हमारा क्यूट सा रॉकेट इसको उठा कर लेकर के चला जाएगा। काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं ये। तो अब हमारा मिशन है कि हमें किसी न किसी तरीके से पैसे को चुकाना है। अगर पैसे नहीं चुकाते हैं तो हम मरेंगे। मेरे ख्याल से कोरेल ने हमको इतनी छूट दी थी मगर कैप्चर तो हम नोवा कॉर्प के द्वारा हुए थे और कोरेल जो वहाँ के सिर्फ एक ऑफिसर है, मेन हेड तो है नहीं, वो हमें छोड़ देंगे। इसे फिक्स करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। सही बात है, मिलानो के बारे में सोचता तो तू है नहीं जाता, बस ये है कि तू फिक्स करता है। ठीक चलिए, मेरे ख्याल से अब इसके आगे का हमें, चलिए फ्रेंड्स तो अभी यहाँ पे बात करते रहेंगे, यहीं से अभी इस वीडियो को रैप अप करेंगे और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पे जुड़ना ना भूलिए। टिल देन बाय। There is an extra.